हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द वीडियो। जैसा आपको बताया कि हमारी 10 अमेजिंग फैक्ट्स की सीरीज़ चलती है, और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट गूगल। तो इस वीडियो के हम फर्स्ट फैक्ट पे चलते हैं कि जो सर्गी ब्रिन और लैरी पेज, जो कि दो फाउंडर्स हैं गूगल के, कोई ये आपस में दोस्त नहीं होते थे, इनका कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता था। ये एक सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और ये बाई जस्ट बाई चांस मिले थे यूनिवर्सिटी में। तो आप देखिए, इतनी बड़ी कंपनी गूगल, इसके जो क्रिएटर्स थे वो जस्ट बाई चांस मिले थे। इन्होंने डिसाइड किया कि हम ऐसे एक कंपनी खोलेंगे और उसका नाम गूगल वगैरह। आज के टाइम पर आप देखें गूगल एक कैसे लेवल पर पहुँच चुका है कि दुनिया में कोई भी ऐसी कंट्री, कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ गूगल के बारे में लोगों को नहीं पता होगा। कोई भी लोगों की प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, वो गूगल पर सर्च करते हैं। हम सेकेंड फैक्ट पर चलते हैं। जो इस कंपनी का नाम है गूगल, वो एक्चुअली उसको उस वर्ड को यूज़ किया गया एक मैथमेटिकल टर्म जिसका नाम है गूगल। गूगल क्या होता है कि जब 1 के आगे 100 जीरोस लगाए जाए तो उसको मैथमेटिकली बोलते हैं गूगल। तो एक तरह से इसको डिराइव किया गया इस मैथमेटिकल वर्ड से और इसको बना दिया गया गूगल। हम थर्ड फैक्ट पर चलते हैं। जो गूगल का फर्स्ट डूडल था, गूगल डूडल, तो आपको ये जो दो पिक्चर से समझ लगेगा कि क्या गूगल डूडल होता है। ये फर्स्ट पिक्चर में मैंने गूगल डूडल लगाया जिसको गूगल ने इसी साल में यूज़ किया था। तो गूगल क्या करता है, जब आप गूगल सर्च पे जाते हैं तो ऊपर जो गूगल लिखा होता है उसमें गूगल कुछ ना कुछ कार्टून या कुछ भी ऐसा कुछ यूज़ करने की कोशिश करता है जो कि उस डे के हिसाब से रेलिवेंट होता है। तो कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है तो गूगल कुछ स्पोर्ट्स के रिलेटेड कुछ डालता है। कुछ जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक डॉक्टर है जो कि एक बच्चे का चेकअप कर रहे हैं। तो ये कुछ मेडिकल अवेयरनेस के लिए गूगल ने यूज़ किया था इस डूडल को। तो जो गूगल का फर्स्ट डूडल था वो था एक बर्निंग मैन स्टिक फिगर जो आप राइट में देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट डूडल यूज़ किया था गूगल ने। हम फोर्थ फैक्ट पे चलते हैं इस वीडियो के। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये फर्स्ट ऑफिस है गूगल का, ये एक रेंटेड गैराज है। तो गूगल यहाँ से शुरू हुआ था। जैसे आपको बताया कि जो सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप्स हैं अमेरिका में, सिलिकॉन वैली, वो बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि ऐसे गैराज से शुरू हुए हैं, जैसे गूगल है, अमेज़ॉन है, और भी बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि एक गैराज से शुरू हुए हैं। तो ये शुरू हुआ था सितंबर 1998 में, और ये एक लेडी थे जो कि जिनके पास गैराज था, उन्होंने रेंट पे देना था, तो गूगल ने इस गैराज को रेंट पे लिया और एक कैलिफोर्निया में ये जगह। नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। 2000 में गूगल ने अनऑफिशियली अपना ऑफिस स्टार्ट किया था न्यूयॉर्क में। तो गूगल कैलिफोर्निया से शुरू हुआ था और न्यूयॉर्क जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है अमेरिका में, तो गूगल ने वहाँ अपना एक्सपेंशन किया। वो न्यूयॉर्क में गए पर अनऑफिशियली, अनऑफिशियली इसलिए क्योंकि गूगल के पास कोई भी ऑफिस नहीं था, कोई भी ऑफिस स्पेस नहीं थी न्यूयॉर्क में। तो क्या किया, सिर्फ एक आदमी की टीम थी जो कि रोज़ एक कॉफ़ी हाउस, जो आपको पता है स्टारबक्स एक बहुत ही फेमस अमेरिकन कॉफ़ी चेन है, वहाँ जाते थे, वो वहाँ जाके काम करते थे। और वो गूगल ने अनऑफिशियली, गूगल का न्यूयॉर्क का ऑफिस बन गया था स्टारबक्स, और उन्होंने वहाँ से शुरू किया था न्यूयॉर्क का अपना ऑफिस। और आज के टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ न्यूयॉर्कर्स काम करते हैं गूगल के ऑफिस में न्यूयॉर्क में। हम सिक्स फैक्ट पे चलते हैं। जीमेल को लॉन्च किया गया था। जीमेल आपको पता है आज के टाइम पे अगर जीमेल ना हो तो सारी दुनिया में कितने काम रुक जाएं, बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट है आज के टाइम पे जीमेल पे। तो जीमेल को लॉन्च किया गया था अप्रैल फूल के दिन, जो कि आपको पता है 1 अप्रैल होता है। तो जीमेल को लॉन्च किया था 1 अप्रैल 2004 में। तो थोड़ा मैं आपको इसके बारे में फैक्ट बताता हूँ कि गूगल में क्या होता है, जब अगर आप गूगल के लिए काम करते हैं तो 100% जो आपका वर्किंग टाइम होता है उसमें से 90% आप वो काम करते हैं जो गूगल ने आपको असाइन किया हो, और 10% जो आपके पास टाइम होता है वो गूगल आपको देता है कि आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा क्रिएटिव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, कुछ भी जिसके बारे में आप सोचते हैं कि मैं इस काम में कुछ अच्छा कर सकता हूँ, कुछ रिसर्च कर सकता हूँ, कुछ भी। तो गूगल आपको 10% जो टाइम है वो अलॉट करता है, आप कुछ भी ऐसा क्रिएटिव करें, कुछ भी ऐसा करें जो आपको लगता है आप बना सकते हैं। तो जो जीमेल था ये 90% में नहीं, उस 10% टाइम में एक क्रिएटर ने बनाया था गूगल के लिए जो काम करते थे। और आज के टाइम पर आप देखेंगे जीमेल एक कितना सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है, कितना इससे काम होता है, कितनी रोज़ की मेल्स भेजी जाती होंगी। तो गूगल ने अप्रैल फूल वाले दिन 1 अप्रैल 2004 को इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। 2010 से लेके गूगल का अगर हम एवरेज लगाएं तो वो रोज़ हर वीक की एक कंपनी को एक्वायर कर रहा था। तो आपको पता है गूगल बहुत सारी कंपनी गूगल के अंदर काम करती हैं। तो अगर हम जो इतना टाइम है और जो इतनी कंपनीज हैं उसको डिवाइड करें तो हमको पता लगेगा कि हर एक हफ्ते की गूगल एक कंपनी को ओन कर रहा है। और जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज गूगल ने जिनको अपने अंदर लिया वो है एंड्रॉयड, यूट्यूब, वेज और बहुत सारी कंपनी। तो गूगल की भी एक पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है अल्फ़ाबेट। तो आपको पता होना चाहिए कि गूगल की अगर कभी आपसे पूछ रहे हैं पेरेंट कंपनी कौन है तो वो है अल्फ़ाबेट। हम नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। एक ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि गूगल का एक ग्रीन इनिशिएटिव है जिसके अंदर जो गूगल का हेडक्वार्टर्स है
तो गूगल क्या करता है कि गोट्स को रेंट करता है, और वो जो उस हेडक्वार्टर्स में जितनी भी घास होती है उसको वो उसको कट नहीं करते हैं, वो गोट्स को रेंट करते हैं और अपने उस हेडक्वार्टर्स के बाहर छोड़ देते हैं, और वो सारी जो घास है उसको गोट्स ख़त्म खाती हैं और उसको ख़त्म करती हैं। और ये जो गूगल्स के एम्प्लॉयज़ हैं वो भी मतलब काफ़ी बार उन्होंने कहा है कि एक बहुत ही उनको अच्छी चीज़ लगती है कि जब वो अपने हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग से बाहर देखते हैं तो वहाँ पर पूरे उनके जो लॉन में गोट्स ही गोट्स होती हैं। हम नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। गूगल ओन करता है, आपको पता है जैसे अगर आपको इंटरनेट पे कुछ भी ओन करना है, मतलब कि आपका अगर ट्रेडमार्क चाहिए तो आपके लिए आपको उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो गूगल के जो मिस स्पेलिंग है, जो कि कॉमन मिस स्पेलिंग, मतलब अगर आप गूगल के स्पेलिंग थोड़े से गलत लिखें, जैसे आप कोई एक लेटर मिस कर दें या कोई एक लेटर ऐड कर दें, तो ये जो जैसे तीन एग्जाम्पल्स हैं, तो गूगल वो सारे मिस स्पेलिंग, वो सारे गलत लेटर्स को के ऊपर भी गूगल का ट्रेडमार्क है, तो गूगल ओन करता है WWW GGGLE और GOGLE और GOGLR। तो ये कॉमन मिस स्पेलिंग है और गूगल इन सबको ओन करता है, तो गूगल का ट्रेडमार्क है इन सारे लेटर्स पे। हम इस वीडियो के लास्ट फैक्ट पे चलते हैं। तो गूगल एक बार $1 मिलियन से भी कम प्राइस पे बिकने वाला था। आज के टाइम पे गूगल एक मल्टी $1 बिलियन कंपनी है, पर एक टाइम ऐसा भी आया था कि गूगल के जो फाउंडर्स थे वो गूगल को बेचने लगे थे लेस देन फॉर $1 मिलियन। किसको बेचने लगे थे? एक CEO थे इंटरनेट कंपनी के जिसका नाम था एक्साइट जॉर्ज बेल। पर जॉर्ज बेल को लगा कि जो प्राइस गूगल के फाउंडर्स मांग रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है और वो उतना प्राइस नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया इस ऑफर को। और 1999 की बात है, तो आप देखें अगर उस टाइम पे इस कंपनी ने गूगल को ख़रीदा होता तो आज ये कंपनी किस लेवल पे होती। पर हम कह सकते हैं कि उनका एक गलत डिसीजन था, उन्होंने गूगल को नहीं ख़रीदा, और आज आप देखें गूगल किस लेवल पे है। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स पता लगे होंगे गूगल के बारे में। हमको गूगल के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि आज के टाइम पे हर एक जो इंडियन है, मोस्ट ऑफ़ द इंडियंस, वो यूज़ करते हैं स्मार्टफोन, और कोई भी स्मार्टफोन बिना गूगल के काम नहीं कर पाएगा। तो हमको पता होना चाहिए गूगल के बारे में कि गूगल कैसे काम करता है, कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ कहाँ आज इनके टाइम इनके ऑफिस है। गूगल का सबसे बड़ा ऑफिस इंडिया में हैदराबाद में। तो गूगल एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि रेवोल्यूशनाइज कंपनी है। उन्होंने काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें क्रिएट करी हैं जिन्होंने ह्यूमन मैनकाइंड का बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ सक्सेसफुल डे।